राजस्थान राज्यसभा चुनाव को देखते हुए सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच अभी तक नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। पायलट अपने किसी एक समर्थक के लिए टिकट चाहते हैं, जबकि गहलोत आदिवासी, ओबीसी या फिर अल्पसंख्यक पर दाव खेलना चाहते हैं। ऐसे में गहलोत और पायलट के बीच खींचतान चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव को लेकर आपसी खींचतान जारी है। कांग्रेस में राज्यसभा को लेकर चर्चा है कि दो सीटों पर बाहरी उम्मीदवार को उतारा जाए, जबकि एक सीट पर स्थानीय नेता को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच नामों पर आम सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत किसी आदिवासी, ओबीसी या फिर अल्पसंख्यक पर दाव खेलना चाहते हैं, जबकि सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके किसी समर्थक को राज्यसभा का टिकट मिले। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को नाम फाइनल करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में मौजूदा संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसे में कांग्रेस दो सीटों पर आसानी से जीत जाएगी, जबकि एक सीट बीजेपी के खाते में जाना तय माना जा रहा है। संघर्ष चौथी सीट के लिए होगा। संभावना है कि बीजेपी दो उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। ऐसे में चौथी सीट के लिए रोचक मुकाबला होना भी तय माना जा रहा है। राज्यसभा में तीन सीटें जीतने के लिए कांग्रेस को 123 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस के पास फिलहाल 108 विधायक है, बीजेपी के पास 71, निर्दलीय 13, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास 3 है, भारतीय ट्राइबल पार्टी 2, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास 2 और आरएलडी के पास 1 विधायक है। ऐसे में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस 4 में से 3 राज्यसभा सीटों पर आसानी से जीत जाएगी। 13 निर्दलीय विधायकों ने हाल ही में गहलोत से मुलाकात कर समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। माकपा के 2 विधायक भी कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे संकेत पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात ने दिए थे। आरएलडी विधायक का कांग्रेस को समर्थन मिलना तय माना जा रहा है। आखिरी क्षण में सियासी उठापटक नहीं हुई तो कांग्रेस राज्यसभा की 3 सीटें आसानी से जीत जाएगी, लेकिन इससे पहले पायलट और गहलोत के बीच नामों पर सहमति बनना भी जरूरी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नाम दाखिल करने की 31 मई आखिरी तारीख है, जबकि 10 जून को मतदान होगा। सारे समीकरणों को समझते हुए ये तय माना जा रहा है कि 4 में से 3 सीटें कांग्रेस की झोली में आती दिखाई दे रही है।